ओम नमो नारायण। मैं अरुणाबेन पी गोस्वामी सूरत से आपका स्वागत करती हूँ अरुष किचन हिंदी में। आज हम बनाएंगे अप्पे। अप्पे बनाने के लिए ये हमने 2 कप सूजी लिए, जो बारीक वाली आती है वो, और 1 कप हमने दही लिया है और 2 प्याज लिया है, इसको हमने इस तरह से काट लिया है, और 1 हमने गाजर लिया है, इसको भी हमने इस तरह से काट लिया है, और 1 हमने कैप्सिकम लिया है, इसको भी इस तरह से काट लिया है, और ये हमने लिए है हरी मिर्च 5 से 6 नंग। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना तीखा खाते हैं इस हिसाब से। 1 चम्मच हमने इनो लिया है रेगुलर, और ये नमक चाहिए हमें स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा हमें तेल चाहिए और पानी चाहिए। तो पहले हम ये सूजी को भिगोएंगे, तो इसमें हम डाल देंगे और इसमें हम ये दही डाल देंगे और हम पानी डालेंगे। इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे पहले। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अब इसको हम 10 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे सूजी को फूलने के लिए। तो ये फूल जाएगी, एकदम अच्छे से भीग जाएगी, तो इसको ढक के हम रख देंगे। तक हम तड़का लगाएंगे। तो ये हमने एक कढ़ाई ली है और गैस चालू करेंगे। और इसमें हम तेल डालेंगे थोड़ा सा ही, 2 चम्मच जितना ही, और तेल को हम गर्म होने देंगे। ये तेल अपना गर्म हो गया है तो पहले हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। अब इसमें हम ये गाजर डाल देंगे और शिमला मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे, 2 मिनट के लिए, बीच बीच में हिलाते रहेंगे। ये सब्जी अपने पक गई है, बस इतना ही पकाना है हमें इसको। तो गैस हम बंद कर देंगे और इसको नीचे उतार लेंगे और ठंडा करेंगे इसको। तो इसको हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। प्लेट में हम निकाल लेंगे। अब इसको ठंडा करेंगे। ये सब्जी अपनी ठंडी हो गई है तो अब इसको हम सूजी में मिक्स करेंगे। ये सूजी अपनी भीग गई है, अभी 10 मिनट हो गया है। तो अब इसमें हम और पानी डालेंगे। पहले हम ये सब्जी डाल देंगे। इसमें आप कोई भी सब्जी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसको हम मिक्स करेंगे। इसमें हम पानी डालेंगे और 1/2 कप जितना। इस तरह से
थोड़ा सा और डालेंगे पानी। इस तरह से होना चाहिए। अब इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब ये अपना अप्पे मेकर है, इसको हम तेल से ग्रीस करेंगे। सब में हम इसे तेल लगाएंगे। इस तरह से अब हम इसमें इनो डालेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे। और मिक्स करेंगे इसको। इस तरह से अब हम इसमें डालेंगे ये चम्मच लेके। जितना इसमें आता है उतना ही डालना है हमें। इस तरह इतना भरना है हमें। सब में हम इस तरह से भर लेंगे। इस सब में हमने इस तरह से भर लिया है। अब हम गैस चालू करेंगे और इसको ढक देंगे और इसको पकाएंगे हम 3 से 4 मिनट के बाद हम देख लेंगे। एक साइड पक गया तो हम दूसरी साइड पकाएंगे। इसको हम देख लेंगे 1 से 2 मिनट हुई है तो इस तरह से ऊपर से इसे पक गया है। नीचे से पक जाता है तो ऊपर इस तरह से हो जाता है। तो अब इसको हम दूसरी साइड पकाएंगे। इस तरह से पलटाएंगे इसको। इस तरह ये बीच वाला जल्दी हो जाता है, डायरेक्ट इसमें फ्रेम लगती है ना, इसलिए। सबको हम इसे पलटाएंगे और थोड़ा सा तेल हम ऊपर डालेंगे दूसरी साइड अंदर इसे। ये नहीं पकता है जल्दी, बीच वाला जल्दी पकता है तो इसको हम थोड़ी देर और रहने देंगे। ये जल्दी पलटना पड़ता है इसको तो, और पकाएंगे इसको भी। अब इसको हम देख लेंगे। ये भी इस तरह से पक गया है तो इसको भी हम ऐसे घुमाएंगे, दूसरी साइड पकाएंगे। सबको इस तरह से इन सबको हमने इस तरह से दूसरी साइड पलट लिया है इस तरह। और इसमें थोड़ा थोड़ा हमने तेल डाल दिया है। अब दूसरी साइड पकाएंगे इसको। इसको एक बार देख लेंगे बीच वाले को। इसको भी थोड़ी देर और पकाएंगे।
दो मिनट और पकाएंगे। अब हम इसको देख लेंगे दूसरी साइड भी। तो ये दोनों साइड पक गए हैं, ये भी पक गया है, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो इसको हम प्लेट में सब निकाल लेंगे। अब इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे, एकदम मस्त सॉफ्ट। बच्चों के लिए हेल्दी नाश्ता है ये। इसको हम, ये चटनी है, इसके साथ सर्व करेंगे। ये मूंगफली की चटनी है, इसके साथ हम सर्व करेंगे। तैयार है अपने अप्पे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। कमेंट करके कहना कि आपको कैसे लगे ये अप्पे।